ये बेटा अपने बेटी से अपने पापा के बारे में बुरा भला बोल रहा था कि मेरे पापा मेरे लिए कुछ नहीं किए, आज मेरे ऊपर बोझ बने हुए हैं। ये सुनते ही पापा के आंख में आंसू आ जाते हैं और सारी रात जगकर अपने जवानी के बारे में सोचते हैं कि मैंने अपने बेटे के परवरिश के लिए अच्छे खासे जॉब को रिजाइन मार गांव में ही ट्यूशन पढ़ा कर इसका पालन पोषण बड़े ही प्यार से किया। कुछ दिनों के बाद ये लड़का बेरोजगार हो जाता है और काफी टेंशन में रहने लगता है। जब पापा पेपर में वैकेंसी देखते हैं अपने बेटे को बताते हैं लेकिन बेटा कुछ नहीं बोलता और चला जाता है। तो अगले दिन ये पापा अपने बेटे का बायोडाटा लेकर इसी कंपनी में जॉब के लिए आते हैं। बाहर बैठकर इंटरव्यू के लिए इंतजार कर रहे थे तभी ट्यूशन के स्टूडेंट इन्हें यहाँ देखता है तो इनके पास आकर पूछता है कि सर आप यहाँ कैसे। तो ये रोते हुए अपने बेटे के बारे में सारी बातें बताते हैं। तभी इनका बेटा भी इसी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए आ जाता है और ये साइड में खड़े होकर अपने पापा की सारी बातें सुनता है और अपने पापा के गले से लिपट कर रोने लगता है। दोस्तों पापा का कर्ज लाखों जन्म लेने के बाद भी नहीं चुकाया जा सकता। पापा के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है।